साधनाओं का कुछ विशेष महत्व होता है। साबर साधनाओं में भी आसन शरीर कीलन का अत्यधिक महत्व है। आप अगर किसी भी साधना को कर रहे हैं तो आसन मंत्र जाप और शरीर कीलन का उस साधना में अत्यधिक महत्व होता है। साधनाओं के प्रकार यहाँ पर विस्तृत हैं और हर साधना के नियम थोड़े से विभिन्न होते ही हैं। उनमें से कुछ नियमों का यहाँ पर उल्लेख दिया जा रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेकों मंत्र दिए गए हैं जिनका जाप करने से मानव जीवन को लाभ प्राप्त हो सकता है। यह जरूरी है कि उन मंत्रों का जाप किसी विशेष नियम द्वारा ही किया जाए। इस वीडियो में कुछ नियमों का उल्लेख दिया गया है, मैं उदाहरण सहित। शरीर कीलन के विषय में कुछ नियम यहाँ पर उल्लेख किए जा रहे हैं। मित्रों, आपसे उपेक्षा है कि आप उन पर अत्यधिक ध्यान देकर अपनी साधना को सफल बनाएंगे। विरूपाक्ष कल्पतंत्र के अंतर्गत आसन सिद्धि करने का विधान है, जिससे कि आप दीर्घ काल तक उस आसन का उपयोग करके साधना कर सकें। इसकी विस्तृत जानकारी यहाँ पर आलेखित है। मैथुन चक्र का चित्रण इस वीडियो में आगे प्रस्तुत किया जाएगा। आप ध्यान देकर मैथुन चक्र और इसके संबंधित सारी चीजों का ध्यान करेंगे। संबंधित मंत्र इस प्रकार है। एम ज्ञान शक्ति स्थापयामि नमः। रीम इच्छा शक्ति स्थापयामि नमः। क्लीम क्रिया शक्ति स्थापयामि नमः। ओम पृथ्वी त्वया घृता लोका देवी त्वं विष्णुना घृता त्वं च धारया मां देवी पवित्रं कुरु च आसनम्। ओम सिद्धासनाय नमः। ओम कमलासनाय नमः। ओम सिद्ध सिद्धासनाय नमः। ओम रीम क्लीम एम श्रीम सप्तलोकम धात्री अमुकम आसने सिद्धिम भूदेव्ये
नमः। मैं तुम चक्र के सारे नियम यहाँ पर आलेखित किए जा रहे हैं इस वीडियो को बारे में। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कई जगह से एक एक करके आपके समकक्ष प्रेषित किया जा रहा है। आप अपनी तरफ से इसकी पूरी जानकारी किसी जाने माने शास्त्री या जानकार से प्राप्त करने के पश्चात ही प्रयोग में लाएं। वीडियो के सीधे हाथ की तरफ ऊपर मैथुन चक्र दिया है। साधना हेतु आसन संबंधित अन्य उपयोगी नियम यहाँ पर आपके समकक्ष प्रेषित किए जा रहे हैं। आप इनको ध्यान पूर्वक देखें, किसी अच्छे गुरु से सलाह प्राप्त करें। गुरु का चुनाव करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करके ही इन साधनाओं में ध्यान लगाना चाहिए। आगे दिए जा रहे हैं श्री गोरखनाथ जी के शाबद मंत्र, आसन बिछाने का मंत्र, आसन पर बैठने का मंत्र, आसन उठाने का मंत्र। ओम नमो आदेश श्री गुरु जी को, अंतर मंत्र ढाई कंकर, जय शिव शंकर। सत नमो आदेश गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी मन मारू मैला करूं, करूं चकनाचूर पांच महेश्वर आज्ञा करें तो, बैठूं आसन पूर श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। सत नमो आदेश गुरु जी को आदेश, आसन ब्रह्मा आसन इंद्र, आसन बैठे गुरु गोविंद, आसन बैठे जपिए जाप, कोटि जन्म के उतरे पाप, आसन बैठे सिंहासन बैठे, बैठे गुरु की छाया पांच तले, आसन पर बैठे गुरु ने शब्द बताया, जो जाने आसन जाप उसका मुख देखें उतरे पाप, जो न जाने आसन का जाप उसका मुख देखें लागे पाप। कहो संतो हम गुरु के दास, इतना आसन जाप पूर्ण भया, सत की गद्दी बैठा गोरख जी, कहा गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। सत नमो आदेश गुरु जी को आदेश,
ओम गुरु जी ओम। सत्य की धरती सत्य का आकाश, सत्य की माला सत्य का जाम, सत्य का आसन सत्य का पूर, आसन बैठे गुरु योगी अवधूत, आसन ब्रह्मा आसन इंद्र, आसन आसन बैठे गुरु गोविंद, आसन बैठे जपिए जाप, कोटि जन्म के उतरे पाम, आसन बैठे सिंहासन बैठे, बैठे गिर की छाया, पांच तले आसन पर बैठे, सतगुरु ने सत्य का शब्द सुनाया, बिना मंत्र आसन लगाए सो योगी नरक जाए, मंत्र पढ़ आसन लगाए सो योगी अमरापुर जाए, श्री नाथ जी गुरु जी को आदे आदे। जब पूजा समाप्त हो जाए तो आसन उठाने के मंत्र का जाप करें। ओम सतनामो आदेश गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी ओम। तरो तरो महेश्वर करनी उतारो पार, संत चले घर आपने मंदिर जय जयकार, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश।